चलिए तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज की क्लास को हम पढ़ेंगे वाद्य यंत्र में। आज आपको याद करवाऊंगा, ढंग से याद करवाऊंगा, कहानी से याद करवाऊंगा। और वाद्य यंत्रों के साथ साथ इनमें जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उनके बारे में भी बताऊंगा। यानी कि इन वाद्य यंत्रों के जो वादक कौन कौन थे, कौन कौन से फेमस वादक थे, कौन कौन से महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है उनके बारे में भी बताऊंगा। और ना कोई ट्रिक है ना कुछ, और बस केवल और केवल कहानी है। और आज कहानी रहेगी, आज हम किसका, शिल्पा। शिल्पा नाचेगी ताल आएगी, शिल्पा नाचेगी और ताल आएगी। बड़ी ही मनोहर शानदार वाली है ना, मन भावन वाली कहानी है। शिल्पा को नचाएंगे और ताल आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये करणा, करण नाम का लड़का, इसके बारे में बताऊंगा। इसकी शादी थी, शादी थी भाई साहब, बाल बाल कटाने गया था तो बाल खराब कर दिए नाई ने, तो उसकी कहानी बताऊंगा। फिर इसके अलावा ये बताऊंगा, इधर श्रीमान जी झालर थे तो दारू वारू पी के पहुंच गए मंदिर, तो उसकी कहानी बताऊंगा। और इधर भूत के काम, गुज्जर पांव में खाज करके, ये सारी तत्व वाद्य यंत्र भी बता दूंगा। तो पहली चीज तो क्या होती है कि जो वाद्य यंत्र है वो चार प्रकार के होते हैं, कहानी से बताऊंगा। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं, ठीक है। ताल, सुषिर, धन और तत्वाद्य यंत्र, ठीक है। ताल वाद्य यंत्र को अवनद भी कहते हैं। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, केवल बता रहा हूं। ताल वाद्य यंत्र को अवनद भी कहते हैं। ताल का मतलब होता है जो ऐसे पीटते हैं जैसे ढोल वगैरह, तो वो तो हो गए ताल, जैसे बोले ताल है ना, तो ये ताल वाद्य यंत्र हो जाएंगे इधर वाले। सुषिर, सुषिर का मतलब होता है फूंक मारकर बजाए जाने वाले, ठीक है। सुशीर का मतलब फूंक मारकर बजाए जाने वाले, तो फूंक किसकी निकलेगी आज? करण की, ठीक है। ताल किसकी आएगी, किसकी ताल पे नाचेंगे? शिल्पा की ताल पे, ठीक है। अब जी को नाम शिल्पा हो वो थोड़ी सी नाराज ना हो जाए, नहीं दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और धातु, धातु मैंने लिखा है वैसे नाम नहीं इसका, घन वाद्य यंत्र मतलब जो धातु के बने होते हैं, घन वाद्य यंत्र मतलब जो धातु के बने होते हैं। और तत्वाद्य यंत्र जो तार से बने होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र है। तो आज की क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास दिख रही होगी आपको अच्छे से, आज की क्लास को करते हैं हम शुरू। ढंग से पढ़ना, तरीके से पढ़ना, सब कुछ याद करवाऊंगा क्लास में, सब कुछ क्लास में ही याद करवाऊंगा। भले ही कितनी गर्मी हो, भले ही कितनी ही कुछ क्यों ना हो जाए, सब कुछ क्लास में याद करना है, करना ही पड़ेगा। क्योंकि कहानी ऐसी बताऊंगा कि आपको याद करना ही पड़ेगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्लास को शेयर कर देना। शानदार वाली क्लास रहेगी, मजेदार वाली। बस अब कई सोच रहे थे गुरु जी बाता बोली करे, पर बाता के करा तो मैं पढ़ा से इसी जो बात तो करी श्या, क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा बढ़ाईलो आदमी हूँ को नहीं, पर बता रही हूँ थाने। तो थाने के करनो है, आज क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ताल वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा दिखूंगा नहीं क्योंकि ये इधर तक आ रहे हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी आपको, केवल याद करना है, केवल याद करना है। अब कैसे याद करोगे, फटाफट देख लो इधर, फटाफट याद कर लो इधर। देखो शिल्पा क्या है, शिल्पा है। शिल्पा भाई साहब जा रही थी रास्ते में, अब कहानी शुरू कर रहा हूं मैं। शिल्पा रास्ते में जा रही थी मटकी लेकर, शिल्पा मटकी लेकर जा रही थी, शिल्पा मटकी लेकर जा रही थी, तो रास्ते में कौन मिला? पुखराज। कौन मिला? पुखराज मिला। पुखराज से याद कर लेना, पखावज। शिल्पा मटकी लेकर जा रही थी तो पुखराज अपनी डुगडुगी लेकर जा रहा था। डुगडुगी तो सब जानते हो, मोटरसाइकिल है। अब आप डुगडुगी के बात है, तो पुखराज डुगडुगी लेकर गया किसके पास? शिल्पा के पास। और शिल्पा जा रही है, बोलियो कि भाई साहब, भाई साहब तो क्या मैं बोल रही कि भाण मारे के है, थोड़ा प्रोग्राम है गिरा तो तन आनो है क्या, मैं नाच नाच गानो करना है, डांस वांस करना आनो है। शिल्पा बोली कि भाई ना, मैं को नहीं हूँ के भाण आ जाए, मारे नाच गानो मंदिर में है। अच्छा मंदिर में है के? अब मंदिर में जना आज से कोई बात को नहीं, कह कितना रुपया ले सी? कब मंदिर में है ना जना, तो 1 रुपये को लूँ, कोड़ी को लूँ। अगर प्रोग्राम मंदिर में है ना जना, तो कोड़ी को लूँ, ठीक है। कर ठीक है भाई, आज जैसी कोई बात को नहीं। कर फिर पुखराज के बोलियो कि मंदिर में है प्रोग्राम, ठीक है, तू तन कोड़ी को दिया कोई बात को नहीं, पर मारे के है डीजे वीजे को नहीं है बैठे, तने ढोलक पर ही नाचनो पड़सी बैठे। अब मंदिर में तो भाई साहब ढोली है, तने डेरू डमरू पर ही नाचनो पड़सी। कोई बात को नहीं, मंदिर को काम है, नाच ले सू, मेरे कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। अब भाई साहब शिल्पा गई खटे मंदिर में,
मंदिर में गई। मंदिर में जाता ही भाई साहब शिल्पा ने क्या कर लिया, घेर लिया। शिल्पा ने क्या कर लिया, घेर लिया। बठगा आदमी घेर लिया भाई, शिल्पा ये तो उसे घेरी सी भी नहीं, तो शिल्पा ने घेर लिया। अब क्यों, अब शिल्पा भटके करी, धूम धड़ाका करी, बढ़िया डांस प्रोग्राम करी, धूम धड़ाका करी, धूम धड़ाका। अब शिल्पा की कमर तो थाने बेरो किसी के, सर समझ गया सर ना, बेरो ऐसे होशियार है, शिल्पा की कमर ठीक है। अब क्यों हो, बठे एक नाम एक छोरो हो, भी छोरा को नाम हो मांदल, मांदलियो। कौन हो, मांदलियो, मांदलियो। वो क्या करो, थोड़ी सी फालतू बात बोली करो हो, यानी फालतू बात तो ज़्यादा कर रहा था कौन, मांदलिया। तो मांदलिया ने बठका लोग और शिल्पा ने की कि भाई नो बात, बात ज़्यादा करो हो तो बोले नो बात, अठक कोई नो बात नहीं करोगे, कोई नोबत, नो बात ठीक है। तो वो मान्यो को नहीं, मांदलियो बात करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, जना शिल्पा ना ही झाड़। शिल्पा की करी बिका बम में खंजर घोस दी, बम तो सही जानो हो, बैठना रहो बम में सब हेरो बम क्या निके। तो बम के कर दी खंजर घोसा, धोसा खंजर घोसा, किसने, शिल्पा ने, किसके, मांदल, मांदलिया के बम में खंजर घोसा। क्यों, क्योंकि वो बात बोली करो हो ठीक है। अब भाई साहब खंजर घोस दियो जना के क्यों, मांदलिया को दम निकल गयो, दमामा के निकल गयो, दम निकल गयो तो दमामा ठीक है। अब दम निकल गयो तो भटका लोग के हो गया चंग, चंग रह गया कि भाई साहब शिल्पा आए के कर दी, शिल्पा तो मालो सो काम कर दी ठीक है। ओ भाई साहब तमाशो बन गयो, ताशा क्या बन गयो, तमाशो बन गयो भाई, चंग रह गया सगड़ा का सगड़ा। शिल्पा के करी बम में चाकू घोंस दी, खंजर, खंजर को घोंस दी ठीक है। अब भाई साहब माथे की का आ गयो, माथा पुखराज का आ गयो कि भाई शिल्पा ने तो ओ ले रहे हो, तो माथे की का ही वो मांदलियो की का माथा आ गयो, माथे से माठे तो याद हो गए। अब तालवाद्य यंत्र याद हुए एक नहीं हुई, फटाफट देख लो हिंदी में बता रहा हूँ, ये तो मारवाड़ी थी अब हिंदी में, एक मिनट में देखते। शिल्पा मटकी लेकर जा रही थी, पुखराज डुगडुगी लेकर गया ठीक है, बोला कि भाई मंदिर में प्रोग्राम है तुझे आना है, कर आ जाऊंगी कोई दिक्कत नहीं, कि बोले कितने रुपए लेगी, कि एक कौड़ी नहीं लूंगी, कौड़ी भी नहीं लूंगी मंदिर में, कर ठीक है मत लेना, लेकिन डीजे वीजे कुछ ही नहीं, तुझे ढोलक पर डांस करना पड़ेगा, डमरू पर डांस करना पड़ेगा, अगर ठीक है कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे। जैसे शिल्पा वहां पहुंची, शिल्पा को घेर लिया, घेर लिया, फिर डांस वांस हुआ, धूम धड़ाका शानदार हुआ और शिल्पा की कमर बढ़िया थी ठीक है। अब क्या था, इधर मांदलिया था वहां पर, वो ज़्यादा ही बात कर रहा था, तो बोले कि भाई नो बात, कोई बात नहीं होगी, फिर भी नहीं माना तो शिल्पा को गुस्सा आया, शिल्पा ने बम में क्या घोस दिया, खंजर घोस दिया। खंजर घोसने से क्या हुआ, दम निकल गया, किसका, मांदलिया का दम निकल गया, सारे लोग चंग रह गए, तमाशा बन गया, और माथे किसके आ गया, पुखराज के, भाई साहब माथा आ गया, ओ ले रहे हो शिल्पा, याद हुआ कि नहीं हुआ। अरे यूं ज्यादा के याद हो सी था ने, पूरी कहानी, पूरी कहानी से मैंने ताल वाद्य यंत्र करवा दिए, शिल्पा नाचेगी ताल आएगी, तान आती है लेकिन अपन बोलेंगे ताल आएगी, शिल्पा नाचेगी ताल आएगी, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। अरे याद हुए को बेटा ब्रो, बस तो बस यही था ना, गाली और याद करा दी हूं मैं, टेंशन नहीं है ना, टेंशन तो लेनी नहीं है, अपन क्या करेंगे सब कुछ कहानी से याद करेंगे, हमेशा करते रहेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, कहानी से याद करते रहेंगे ठीक है। तो करते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं, अब हम करेंगे सुशीर वाद्य यंत्र, क्या पढ़ेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र, क्या पढ़ेंगे, सुशीर वाद्य यंत्र। देखो तो फिर सुशीर वाद्य यंत्र करे शुरू, करा के टाबरू, अब टाबर क्या बता सी बेरोगुनी। चलिए, करण, करण नाम का लड़का, अब इसकी शादी थी, बाल कटवाने गया था तो बाल के से खराब काट दिए, तो दिक्कत हो गई बेचारे की शादी थी। अब सर का बाल मेरा जैसा थोड़ी देर, खैर कोई बात नहीं। करण, करण नाम का लड़का ठीक है, उसकी शादी थी, शादी थी तो घर में पुंगी बज रही थी, शहनाई बज रही थी, बांसुरी बज रही थी, मुरली बज रही थी ठीक है, बस शादी में तो यही सहनाई गाजा बाजा ही हो जाकर है। तो करण के घर में पूंगी, सहनाई, बांसुरी, मुरली बज रही थी ठीक है। अब करण सोचो कि भाई मुरली बांसुरी बाज रही है, मैं बाजर के कर आया हूँ, कटिंग करवाया हूँ, वो बाजो बाजो के कन गयो, नाई कन गयो, तो सुर नाई हर नाई, नाई नाई आते ही समझ जाना सुशीर वाद्य यंत्र है ठीक है। बाजो बाजो नाई कन गयो, नाई ने जा बोलियो कि भाई कटिंग कर दे। अब नाई पूछो कि भाई किसी करूँ कटिंग, कटिंग कैसी करूँ, क्या मेरी मसकली खुश हो जाए मेरी कटिंग ने देखता ही, भाई जिसके साथ शादी हो रही थी उसको मसकली कहता था प्यार से, क्या मेरी मसकली खुश हो जाए मेरी कटिंग को देखते ही, भाई मैं लागू सोनो सोनो ब्याह में, तो ठीक है भाई मसकली ने खुश कर दिया, बढ़िया कटिंग बना से तेरी। ये बात ना भाई साहब नाई गयो भूल, कटिंग बना तो भूल गयो,
अब कटिंग बना दो बना दो भूल गए, और कटिंग बना दी क्या, बांकी बांकी हो, कटिंग बना दी बांकी, तो बांकी हो बांकी कटिंग बना दी, और क्या बना दियो मातम सींग सा बना दियो, आधी कटिंग अठिन कर दियो आधी अठिन कर दियो, या करके सींग सा बना दियो, क्या बना दियो सींग सा बना दियो। अब भाई साहब अब क्यों हो, करण देख लियो कि यार ओके तो गड़बड़ कर दियो मेरे, क्या गड़बड़ करियो कि सींग सा बना दियो, और कटिंग देखियो कांच में करण कि यार ओके कर दियो, गरा सहना ही बाज रही है, तू तो मेरा शंख बजातो दिखे, सहना ही बाज रही गरा आ रही कटिंग ने देख तुझे लाग से जाना संग बाज से आज गरा, तू तो लोड मोड कर दी ठीक है, तू के करियो तू के करियो तू रही आलियो तू के करियो अलगोजा, एक और लिख लेना यहाँ पर अलगोजा अलगोजा, आलियो के करियो तू आलियो के करियो अलगोजा ठीक है, तू तो सत्यानाश ही कर दियो, तू तो के कर दियो सतारा सत्यानाश ही कर दियो, इसु बढ़िया तो मेरी तू नाड़ी काट दे, तो इस बढ़िया तो तू के कर तो मेरी नाड़ी काट दे तो नड़ ठीक है, तू तो के बाड़ा नागफनी सी बना दियो बेरवी को नहीं, अरे बेरी तू के करियो, अरे बेरी तू तो मोर चंग बना दियो मने रण भेरी, बेरी तू तो मोर चंग बना दियो रण भेरी, तू तो मोर चंग बना दियो और एक बरगू और याद कर लेना, बस ये तो था, हिंदी में सुनो तो एक बार और देख सकते हो। करण करण की शादी थी, पूंगी सहनाई बांसुरी बज रही थी, बोला कि नाई के पास जाऊंगा तो सरनाई हरनाई ठीक है, बोली भाई कैसी कटिंग बनाऊं कि मसक्कली खुश हो जाए, ऐसी कटिंग बनाना ठीक है बना देंगे, ना ही बात नहीं गए भूल भूल गए तो भूंगल ठीक है, कटिंग किसी बना दियो बांकी, कटिंग बना दियो बांकिया ठीक है, के बना दियो बाड़म सींग सा बना दियो सिंगा सिरिंगी सिंगी ठीक है, क्यों बोलियो आ के कटिंग बनायो ग्रास है ना ही बाज रही, तू तो संग बजाना रसा काम कर दियो, तो संग बज गया ठीक है, क अलगोजा आलो ओके करियो तू आलो तू रही तू आलो के करियो अलगोजा, आलो से अलगोजा, तू तो सत्यानाश कर दियो सतारा ठीक है, तू तो सत्यानाश कर दियो सतारा, इससे अच्छा तो तू मेरी नाड़ काट देता यानी गर्दन नड़ ठीक है नड़, तू तो नागफनी बना दी तूने तो नागफनी, का बेरी बेरी तूने क्या किया, बेरी बोलते हैं किसी को बेरी का ये लड़का है बेरी ठीक है, तो बेरी रण भेरी तूने क्या कर दिया, तूने तो मोर चंग बना दिया बरगू मरगू बरगू ठीक है, एक लास्ट वाला और याद कर सकते हो, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ, सुशीर वाद्य यंत्र याद हुए कि नहीं, ऐसे ही इधर वाले याद करवाऊंगा, ऐसे ही इधर वाले याद करवाऊंगा, महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र सारे याद करवा दूंगा, बस आप तो एंड तक बने रहना, वीडियो को शेयर कर देना, इतने इतना शेयर करना कि सारे के सारे वाद्य यंत्र सभी स्टूडेंट को याद हो जाए, इसके बाद में कभी उनको वाद्य यंत्र पढ़ने ही नहीं पड़े, जैसे मैंने याद करवाया किस कोई याद नहीं करवाएगा आपको, इनके अलावा महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र वो भी याद करवाऊंगा, उनमें वाद्य यंत्रों के कौन कौन से वादक है जो महत्वपूर्ण है उनके नाम आते हैं सारे याद करवाऊंगा, नोट्स बना लेना ऐसे ही, नोट्स ऐसे ही बना लेना, इससे के बाहर कुछ इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं एग्जाम में, ढंग से पढ़ना तरीके से पढ़ना ठीक है, चलते हैं आगे, घनवाद्य यंत्र पढ़ेंगे जो धातु से बने होते हैं, धातु से बने होते हैं तो देख लो फिर फटाफट, बस गर्मी जोरदार है, इस गर्मी को कोई इलाज को नहीं, एक पंखो इलाज है, पंखो चला कौन सका ठीक है, चले अरे चाला के डाबरो ठीक है गुरुजी चालो, चलिए अब देखें आगे, अब देखो घन वाद्य यंत्र याद करेंगे, क्या करेंगे घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र कैसे याद करोगे, मतलब धातु से बने होते हैं, अब धातु वाले वाद्य यंत्र मैं पहले ही बता देता हूं, घंटी घंटी को भाई घंटो, घंटी घंटी को भाई घंटो ठीक है, और आधोनिया को बापू शक्ति घंटा ठीक है, तो घंटी वीर घंटा और शक्ति घंटा धातु से बने होते हैं, घुंगरू धातु से बनी होती है, चिमटा धातु से, टंकोरा ये तो याद हो जाएंगे धातु से, यानी घन वाद्य यंत्र धातु से बने होते हैं ठीक है, अब आ जाओ अब कहानी तो अब है, ये तो ऊपर वाले ऐसे ही थी, कहानी तो अब है, याद तो अब होगा, याद तो अब होगा, अब देखो श्री मंडल, श्री मंडल जी क्या थे झालर थे, श्रीमान जी थोड़े से झालर थे, बोलते हैं भाई बड़ी बनाई झालर ही है ये बा बात है, तो श्रीमान जी क्या हा झालर हा झालर, झालर क्यों हा क्योंकि वे एक झोड़ कर दिया, झोड़ का मतलब गलती का भाई ओके झोड़ कर दियो गड़बड़ है, जिसे अपनी बात में गड़बड़ कर दियो, के गड़बड़ कर दियो, क श्रीमान जी तो झालर हा वे एक झोड़ कर दिया, के झोड़ कर दिया झोड़ या करिया का बे करनी माता का मंदिर में है ना पीर आ गया, पिया क्या पिया दारूड़ी ठीक है, कन्नी माता के मंदिर में पीर आ गया, तार पी यानी पी क्या पी दारू पी ठीक है, कौन श्री मंडल जी, क्यों बेझालरा बेझोल करया के झोल कर दिया, कन्नी माता के मंदिर में पी आया
पीली, के पीली, दारू पीली, ठीक है। और कद पी झांझ, यानी कि सांझ, ये सांझ लिखा है मैंने झांझ को समझाने के लिए, ठीक है। पी के आ गए, और वो भी कब पी, शाम को पी, शाम को भीड़ रहती है मंदिर में वैसे ही, तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया कि भाई कौन है श्री मंडल जी, तो झालर आदमी निकलिया है, तो के करया सांझ ने के पीर आ गया, दारू पीर आ गया, ठीक है। सगड़ा जना के करने लगा, वह भीड़ बाने घूर ली, घूर लागी यानी घूर लिया या फिर घेर लिया, सारी भीड़ भीड़ ने उसको क्या कर लिया, मंडल जी को घेर लिया, ठीक है। घेर लिया, बोले अब क्या करा, करो इसका कुछ तो कर, इसका कुछ तो कर कि करताल, कि एक काम करो इसको टाली पर बांध दो, टाली पेड़ को बोल, एक पेड़ आता है टाली का पेड़, ठीक है, उसके बांध दो, अगर टाली का बांध दो, बोले कि भाई बांध के करे खड़े हो, खड़ताल है, ठीक है, कागरछा, ये दो और याद कर लेना, बस इतना ही तो था, टाली के बांध लिया, खड़ा करके बांध दिया, खड़ताल, ठीक है, कागर छा काई कर से आएगा भाई, सब कुछ ही कौन करा। ओके हो, श्री मंडल की कहानी थी, बताओ याद हुए कि नहीं, याद हुए कि नहीं। अरे इससे सरल तो और क्या होगा, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, इससे सरल तो कुछ कोई है ही नहीं, कोई बता ही नहीं सकता इससे सरल तो, ठीक है। तो घनवाद्य यंत्र याद हो गए, हो गए, अरे बस इससे अच्छा तो और क्या होगा, ताल, सुशीर और घनवाद्य यंत्र तीनों याद हो गए, लास्ट में बचे हैं तत्ववाद्य यंत्र, लास्ट में क्या बचे हैं, तत्ववाद्य यंत्र ढंग से पढ़ते हैं और ढंग से याद करते हैं। कोई कहानी नहीं है, छोटी सी, छोटी सी तो नहीं है, वाद्य यंत्र ज्यादा है, तो मैंने एक ट्रिक लिखी है, हालांकि मैं ट्रिक से बताता नहीं, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कहानी मिक्सिंग है, तो फटाफट देखते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के हम देखते हैं। चलिए आगे, चला गए, चला गए, हाँ गुरु जी चलो, तो फिर चलते हैं। देखो ट्रिक क्या है, भूत के काम गुर्जर पांव में खाज करके एक सारंगी और सुर के साथ हाथ से मंत्र पढ़ा तो सब दूर से चिल्लाए। भूत के काम गुर्जर पांव में खाज करके एक सारंगी और सुर के साथ, सारंगी और सुर के साथ हाथ से मंत्र पढ़ा तो सब दूर से चिल्लाए। वापस, भूत के काम गुर्जर पांव में खाज करके एक सारंगी और सुर के साथ हाथ से मंत्र पढ़ा तो सब दूर से चिल्लाए। भूत के काम गुज्जर पांव में खाज करके एक सारंगी और सुर के साथ हाथ से मंत्र पढ़ा तो सब दूर से चिल्लाए। याद हुआ कि नहीं हुआ, बस तो फिर यही था। तो भू से याद करना भपंग, तय से याद करना तंबूर, के से केनरा, काम से कामायचा, गुजर से गुजरी, पांव से पांवरी, खाज से रवाज जैसे जंतर, खाज से रवाज जैसे जंतर, एक से एक तारा, एक से एक तारा, सारंगी से सारंगी हो जाएगा, सुर से सुर मंडल हो जाएगा और सुरिंदा हो जाएगा, सुर से सुर मंडल हो जाएगा और सुरिंदा हो जाएगा। हाथ से याद करना रावण हत्ता, हाथ से क्या याद करोगे, रावण हत्ता, दूर से दुका को और दूर से ही दुतारा, दूर से दुका को दूर से ही दुतारा, चिल्लाए से चिकारा, चिल्लाए से चिकारा, चिल्ला चिंकारा नहीं है, चिंकारा अलग है, ठीक है, वो तो पशु है, ठीक है, चिल्लाए से चिंकारा, वीणा और अपंग, बस। भूत के काम गुज्जर पांव में खाज करके एक सारंगी और सुर के साथ हाथ से मंत्र पढ़ा तो सब दूर से चिल्लाए, बस इतना सा याद करना है। और तत्ववाद्य यंत्र यानी तार से बजाए जाने वाले, तार से बजाए जाए, तार, तार वाले यंत्र, ठीक है, तार वाले वाद्य यंत्र हो जाएंगे। बताओ याद हुए कि नहीं हुए, अरे याद हुए कि नहीं। वाद्य यंत्र चार प्रकार के ही होते हैं, तत्ववाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र। ताल का मतलब ताल से बजाए जाने वाले, सुशीर का मतलब फूंक मारकर बजाए जाने वाले, घन मतलब धातु से और तत्व मतलब तार से बजाए जाने वाले। तो इतिहास में इसको हमेशा, इस क्लास को देखते रहना, देखने की जरूरत, बस एक बार देख लो आप, तो पूरे कहानी से वाद्य यंत्र आपको याद हो गए होंगे, एक बार इनको नोट कर सकते हो। इसके अलावा फिर भी याद नहीं होते तो एक बार कहानी को वापस सुन लेना, वीडियो को और देख लेना, इस क्लास को दोबारा देख लेना। पढ़ना है, याद नहीं करना आपको, केवल क्लास को देखना है। सब कुछ मैंने याद करवा दिए हैं, कहानी से याद करवाए हैं, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, सब कुछ मैंने यहीं याद करवाए हैं। चारों कहानी बताइए, ढंग से बताइए, पढ़ना आप लोगों को पड़ेगा, ढंग से नोट्स बनाना, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, मुख्य मुख्य जो वाद्य यंत्र है उनके वादक कौन कौन है, उनके बारे में भी हम क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, कर लिया के टावरो, हाँ गुरु जी बिल्कुल करो, चर्चा थे तो बढ़िया लागो हमारे, बढ़िया चर्चा कर, ठीक है।
अब देखो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण में आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण में आपको बता देता हूँ, अलग से नोट करवा देता हूँ, ठीक है। इनको मिटा देते हैं, फिर अलग से अपन क्या करते हैं, नोट करते हैं वाद्य यंत्र, ठीक है। मिटा दोगे, मिटा दोगे, अरे मिटा दोगे, ठीक है गुरुजी मिटा दो। चलिए आल्यो गुरुजी मिटा दिया, ओके बात करिया गुरुजी, वो तो थे गड़बड़ कर दिया। अरे गड़बड़ की को नहीं, थाने में ढंग से पढ़ा सू, टेंशन मत लो। चलिए ये सारा का सारा मैंने मिटा दिया है, आप लोगों को ढंग से कहानी से याद हो गए होंगे, बस क्लास को शेयर कर देना, इतनी सी रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर देना सभी लोगों के पास, ताकि और बच्चों को भी फायदा मिले। वाद्य यंत्र सारे के सारे क्या हो गए, कहानी से याद हो गए, ठीक है। चाल आ गए, हाँ गुरु जी बिल्कुल चालो थे, बिल्कुल आगे चालो मथाने, चलिए 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 बिल्कुल चले। एक वाद्य यंत्र आता है बफंग, के बफंग, तो बफंग का प्रमुख वादक कौन था, प्रसिद्ध कलाकार, बफंग बजाने वाला प्रसिद्ध कलाकार कौन था, तो बफंग बफंग जहूर खान, क्या नाम था, जहूर खान, बफंग जहूर खान फेमस था, ठीक है। बफंग बजाने में कौन फेमस था, जहूर खान फेमस था, ठीक है। एक वाद्य यंत्र आता है कामायचा, या कामायचा, कामायचा भी बोल सकते हो, कामायचा क्या है, सारंगी की रानी कहलाती है, कामायचा ये क्या कहलाती है, सारंगी, सारंगी की रानी कहलाती है, सारंगी की रानी कहलाती है। इसमें 16 तार होते हैं, कितने तार होते हैं, इनको नोट करना, ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें कितने तार होते हैं, 16 तार होते हैं, ठीक है। एक होता है रवाज, ठीक है, रवाज भी तो है, इसमें भी कितने तार होते हैं, इसमें 12 तार होते हैं, इसको भी ध्यान रखना थोड़ा सा। सारंगी क्या होती है, प्रमुख जो जितने भी वाद्य यंत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ किसको माना गया है, सारंगी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक वाद्य यंत्र आता है दूकाको, दूकाको ये किसका वाद्य यंत्र है, ये भीलो, भीलो द्वारा सबसे ज्यादा बजाया जाता है, भीलो द्वारा वाद्य यंत्र कौन सा, दुकाको, दुकाको जो इधर मैंने बताया था लास्ट में, ठीक है, लास्ट में बताया था तत्वाद्य यंत्र में दुकाको, ठीक है। तो भीलो द्वारा बजाया जाता है कौन सा, दुकाको, ठीक है। अब आ जाओ आगे सहनाई, अब सहनाई में प्रमुख है उस्ताद बिस्मिल्ला खान, उस्ताद, उस्ताद बिस्मिल्ला, बिस्मिल्ला है खान, मात्रा उकचू को जे तो कोई बात को नहीं। तो सहनाई वादक कौन है, सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान है। इनको 2001 में भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये भी ध्यान रखना, 2001 में भारत रत्न मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ है। एक क्लास में सब कुछ याद करवा दूंगा, सब कुछ ऐसे नहीं कि भाई ये आधी क्लास इधर बता दिया आधी क्लास, एक क्लास में सबका सुपड़ा सा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्या आगे चला, आगे चाला गुरु जी, एक बार थोड़ी गर्मी ज्यादा है ना, चलिए चले, हाँ गुरु जी बिल्कुल चलो, थे बढ़िया पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो बढ़िया तो मैं पढ़ाऊँ यहाँ, बस बढ़ाई को लूँ मैं तो। आगा देखो सुरिंदा, एक सुरिंदा होती है जिसमें 10 तार होते हैं, और लंगा जाति बजाती है जो मारवाड़ की प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सी, सुरिंदा, एक सुरिंदा वाद्य यंत्र भी है, 10 तार होते हैं, लंगा जाति बजाती है, लंगा जाति कहाँ की है, मारवाड़, मारवाड़ की लंगा जाति कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है, सुरिंदा वाद्य यंत्र बजाती है, ठीक है, ठीक है कि नोट कर लिया गया, आगे चालू के बिल्कुल चालो। आगे देखो अब एक वाद्य यंत्र आता है अलगोजा, कौन सा, अलगोजा, अलगोजा, अलगोजा बजाने में फेमस कौन है, धोंदे खान, कौन है, धोंदे खान। जैसे दो बांसुरी होती है, एक बांसुरी ये हो गई, ठीक है, और एक बांसुरी ये हो गई, ये होगी भाई साहब, आई अठवीं थोड़ी सी रे है अनके, कोई तो नागसू बजा ले, कोई मुंडासू भी बजा ले। तो धोंदे खान अलगोजा बजाने में प्रमुख वाद्यक थे, प्रमुख फेमस थे। अब एक फेमस थे नाक से, नाक से बजाने वाले,
नागसु भी बजा ले बताओ, अर्थात मुंडा हूं थारी ध्यान कर जा। नाग से बजाने वाले वादक, नाग से भी बजाए थे, किसने बनाया था? रामनाथ चौधरी ने, रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी कहां के थे? जयपुर के थे, जयपुर कहां के थे? जयपुर के थे रामनाथ चौधरी, ठीक है। परमपुरा गांव था, परमपुरा गांव, गांव पूछिए तो परमपुरा गांव, परमपुरा, परमपुरा गांव, बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? नाग से बजाए जाने वाले रामनाथ चौधरी जयपुर के थे, जो प्रमुख वादक थे, ठीक है, ठीक है के, ठीक है डाबरू, हाँ गुरु जी बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, बताओ यहां तक याद हुआ, ठीक है। एक वाद्य यंत्र आता है मंजीरा, मंजीरा 13 ताली नृत्य में, 13 ताली नृत्य में बजाया जाता है, कौन सा? मंजीरा 13 ताली नृत्य में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक वाद्य यंत्र आता है लेजिम, बताया था मैंने, ग्रासियो का फेमस, किसका है? ग्रासिय जनजाति लेजिम वाद्य यंत्र का अधिक प्रयोग करती है, ठीक है। मशक, मशक्कली, मशक्कली, मशक भेरूजी के भोपे, भेरूजी के भोपे बजाते हैं, जैसे एक चमड़े का, जैसे किसी बकरी वकरी के चमड़े से बनवा रहता है, उसमें हवा भरते हैं, फिर वो हवा निकलती है तो अपने आप वो बजता है, ठीक है। मशक भेरूजी के भोपे, ठीक है। एक आता है वाद्य यंत्र तारपी, एक वाद्य यंत्र तारपी आता है, ये कथोड़ी जनजाति, कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति, सुशीर वाद्य यंत्र है ये तारपी, कथोड़ी जनजाति इस वाद्य यंत्र का अधिक प्रयोग करती है। एक वाद्य यंत्र आता है बिगुल, ठीक है, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है, बिगुल, जो युद्ध समाप्त करने और युद्ध शुरू करने में बजाया जाता है, ठीक है, युद्ध करने में, ठीक है। बिगुल बजाते ना बोले बिगुल बाज की हो तो ऊंचो हुआ जो आसमान तक आवाज चल जाए, यहाँ घूम के, यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ हुआ है, ठीक है, ओके, हो गयो, ओ गयो बिगुल, कह तेरो मैं बिगुल बजा दूंगा, क्या बजा दूंगा मैं तेरो? बिगुल बजा दूंगा, ठीक है। एक वाद्य यंत्र आता है मोरचंग, मोरचंग, ओके है, ये सबसे छोटा, सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र किसको माना गया है? मोरचंग को, किसको? मोरचंग, मोरचंग, ठीक है, मोरचंग। अब आ जाओ इधर, एक होता है बांसुरी, बांसुरी बजाने में कौन फेमस हो? हरी प्रसाद, कौन हो? हरी प्रसाद फेमस हो, हरी प्रसाद चौरसिया, ठीक है। बांसुरी बजाने में कौन फेमस हो? हरी प्रसाद, हरी प्रसाद चौरसिया, पूरा नाम क्या है? हरी प्रसाद चौरसिया, बांसुरी बजाने में क्या थे? माहिर थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है किताब लो, बस तो इतना ही था, ठीक है। एक खड़ताल का वो लिख सकते हो, जादूगर सदीक, सदीक खान, खड़ताल कहाँ लिखूं? ठीक है, खड़ताल का देखो, खड़ताल, खड़ताल का जादूगर किसे कहते हैं? खड़ताल का जादूगर कहते हैं सदीक खान, ठीक है, ठीक है, क्या उल्टो लिख दियोगे? अच्छा सदीक खान, अब तो ठीक है, हाँ गुरु जी अब ठीक है, सदीक खान। तो खड़ताल जादूगर किसे कहा जाता है? सदीक खान को, बताओ याद हुआ कि नहीं? ठीक है, ठीक है। एक मादल और वाद्य यंत्र आता है, ठीक है, जो कहाँ का फेमस है? राजसमंद का, राजसमंद का फेमस है, कौन सा? मादल, ठीक है, मोजेला राजसमंद में ये फेमस है। अब बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? अरे वाद्य यंत्र चारों के चारों जो वाद्य यंत्र है वो सारे के सारे मैंने याद करवाए कि नहीं करवाए, बताओ, कोई दिक्कत है कि? बताओ है कि कोई दिक्कत? कौन ही ने? अरे क्यों होगी दिक्कत, आपको बस क्या करना है, इस क्लास को शेयर करना है, सबको बताना है कि वाद्य यंत्र ऐसे याद करो जैसे मैंने याद करवाए, मैंने कहानी से याद करवाए हैं, बस आपको क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करना है, ठीक है। ऐसे ही मैं क्लास आपके सामने लाता रहूँगा, जैसे मैंने वाद्य यंत्र याद करवाए हैं वैसे ही मैंने हवेलिया, बावड़िया, छत्रिया, है ना, लोक देवता, त्यौहार, सब कुछ मैंने कहानी से याद करवा रहा हूँ। अब
क्या होता है कि सब कुछ कहानी से तो याद नहीं करवा सकते, लेकिन जहाँ तक संभव है लगभग 80-90% मैटर मैंने कहानी से याद करवाया है। बाकी मैंने नोट्स बताए हैं जो महत्वपूर्ण है, वो मैंने सारे कहानी से मैं याद करवा रहा हूँ, बाकी नोट्स बनवा रहा हूँ। आप लोग क्या करो, यूट्यूब चैनल पर जाओ, जो GKRS क्लासेस चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाओ। राजस्थान कला संस्कृति के रात 8 बजे क्लास अपलोड होती है, डेली तो नहीं होती लेकिन 1-2 दिन छोड़ के क्लास अपलोड होती है। उसमें आपको मैटर कहानी से याद करवाया जाएगा, सारे टॉपिक क्रम से पढ़ाए जा रहे हैं, अच्छे से नोट्स बनाओ। ऐसा ही लेवल का सिलेबस है जो यूट्यूब पर कभी किसी ने नहीं करवाया होगा, जो मैं अच्छे से नोट्स बनवा रहा हूँ आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए। शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। तो बस इतना ही, बस बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि जैसे ही मेरे स्टूडेंट थोड़े से और बढ़ेंगे, मैं आपके सामने भारत की भूगोल की क्लासें क्या करूँगा, शुरू करने वाला हूँ। क्या? भारत के भूगोल की क्लासें शुरू करूँगा जल्द ही। ठीक है, तो बस इतना ही। ओके, शुक्रिया, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ठीक है।